कैसे हो आप लोग? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुरशेर। मैं आज आपके लिए बजट का टॉपिक नंबर 2 लेकर आया हूँ। मैंने आपको कल बताया था ये बार कि हम बजट पे एक तो बजट का इतिहास पढ़ेंगे, बजट की इतिहास कब से क्या रहा है, कैसे रहा है, और एक 2022-23 का जो वर्तमान हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन ने बजट प्रस्तुत किया है, तो क्लास नंबर 2 हमारी इस पर रहेगी, 2022 और 23 का बजट। तो देखते हैं, चलिए आइए हम क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं इस पे, जो कुछ हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वो चीजें हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए, कुछ इससे एक तो नई पहल, मतलब इसमें क्या नई चीजों की शुरुआत की गई, इस चीज की चर्चा रहेगी, और एक कराधान या टैक्स लगाए गए या नहीं लगाए गए, इस चीज की चर्चा करेंगे, और एक कुछ महत्वपूर्ण आवंटन किए गए, कुछ बेहतर किया गया, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, ये सब चीजें, और इसके अलावा कुछ अन्य जो बिंदु होंगे उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक लेखा जोखा भी कहा जाता है, ये मैंने आपको क्लास नंबर 1 में भी बताया था और क्लास नंबर 2 में भी बता रहा हूं। केंद्रीय बजट 2022 और 23 टॉपिक है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। 2 फरवरी 2022 को संसद में वर्तमान हमारे जो वित्त मंत्री है उनका जो नाम है निर्मला सीतारमन है, तो इन्होंने भारत में चौथी बार लगातार बजट पेश किया, चौथा बजट पेश किया इन्होंने, तो निर्मला सीतारमन आप याद रखिएगा। और एक कौन सा बजट पेश किया इन्होंने? चौथा। 3 इससे पहले कर चुकी थी और चौथा ये है। और इस बजट में जो सबसे अच्छी बात है, 3 बिंदुओं पे बड़ा फोकस किया गया है। एक तो किसानों पर, किसानों की आय बढ़ाने पर बात करी गई है इसमें, और बेहतर खेती और आधुनिक टेक्नोलॉजी उन्हें प्रदान करने की बात करी गई है। एक महिलाओं के विकास से संबंधित इसमें बात करी गई है, ताकि महिला अपने सक्षम हो सके और अपने पैरों पर मजबूती के साथ वो खड़ी हो सके और आगे बढ़ सके। दूसरा, युवाओं पर फोकस किया गया है इसमें, युवा जो युवा वर्ग है हमारे, युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, युवाओं के लिए बेहतर स्पोर्ट्स की व्यवस्था करना, युवाओं के लिए और अन्य युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाना, अन्य बहुत से सारी चीजों की इसमें चर्चा की गई है, तो याद रखना फोकस बिंदु थे। इसके बाद 2022-23 में ही राजकोषीय घाटे की जीडीपी दर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को कहते हैं, 6.4% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी जो दर है वो 6.42% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है हमारा, आने वाले वर्ष में, मतलब जो 22-23 होगा हमारा, 9.27% जीडीपी ग्रोथ रहने की उम्मीद जगाई गई है इसमें, कि हमारी जीडीपी कितनी रहने की उम्मीद है, 9.27% जीडीपी को लक्ष्य बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30% कर लगेगा, जो डिजिटल संपत्ति होगी उससे जो लाभ होगा उस पर 30% टैक्स लगाने की बात करी गई है इसमें, आप याद रखना 30%। नेक्स्ट है, लंबे समय से होने वाली आय पर, इसे कहते हैं शॉर्ट में LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो LTCG की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो इस पर 15% टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल पर। आइए अब इधर देखते हैं, 2022-23 में पूंजीगत व्यय 10.68% लाख करोड़ रुपए, जो कि कुल जीडीपी का 4.21% होने का अनुमान है, तो 10.68% लाख करोड़ रुपए ये कुल जीडीपी का 4.1% होने का अनुमान लगाया गया है। अब आते हैं करों पे, कराधान क्या है। इस 2022 का जो बजट है इसमें कोई भी करों में बदलाव नहीं किया गया है,
2021 का जो बजट था वही सेम कर इसमें रखे गए, ठीक है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कर कटौती जो सीमा है, जो पहले 10% थी, केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारियों की कर कटौती जो सीमा थी वो पहले 2021 के बजट में आपकी 10% थी, तो उसे अब बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। तो आप याद रखना पहले 10 थी, अब उसे 14% कर दिया गया है। इसके बाद इधर आते हैं, कॉर्पोरेट में सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। कॉर्पोरेट में जो सरचार्ज लगता था वो पहले अब से 12% था और उसे अब 7% कर दिया गया, आप याद रखना चाहिए। इसके बाद शेयर मार्केट, शेयर मार्केट पे भी हो रहा है इस बार, शेयरों पर सरचार्ज पहले जो था 28.5% लगता था जो शेयर खरीदते थे, अब वो 23% लगेगा। तो शेयर पर सरचार्ज जो है 28.5% था, अब उसे घटाकर 23% कर दिया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी, मतलब किसमें कितनी प्रतिशत है सरकार का। देखो जीएसटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं गुड सर्विस टैक्स और हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, तो इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है 15% है। उधार तथा अन्य करों में 35%, विभिन्न या अन्य कर 15% और आयकर में 15%। इसी तरीके से केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क है, और गैर कर राजस्व में 5, कस्टम ड्यूटी 5, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सरकार के खर्चों में सबसे अधिक हिस्सेदारी 20% ब्याज भुगतान की है, जो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है वो सरकार का ब्याज भुगतान पे हुआ है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, करों में अन्य शुल्कों में राजस्व सरकार की हिस्सेदारी 17% है, करों और अन्य जो टैक्स लगते हैं उनके अलावा उसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 17% है। वित्त आयोग के लिए 10% आता गया है वित्त आयोग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इधर देखिए केंद्रीय जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है वेलफेयर के लिए, उनमें केंद्रीय योजनाओं और अन्य में 9-9% की हिस्सेदारी होगी, रक्षा क्षेत्र में 8% और सब्सिडी में 8%, पेंशन के लिए 4% बढ़ोतरी की बात की गई है, मतलब जो पहले हमारा प्रतिशत था उसमें 4% और पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। इस बार 2022-23 के बजट में क्या नई शुरुआत की गई है देखिएगा आप लोग। एक तो आरबीआई ने काफी समय पहले घोषणा कर दी थी कि नई डिजिटल मुद्रा ला रहे हैं हम लोग, तो नई डिजिटल मुद्रा, नई करेंसी की शुरुआत, नई डिजिटल करेंसी की शुरुआत आरबीआई ने। दूसरा पॉइंट, 5 नदियों को एक साथ जोड़ने की बात करी गई है इसमें 2022-23 का जो बजट है, 5 नदियों को एक साथ जोड़ने की बात करी गई है। देखिए वो कौन कौन सी है, एक तो है आपकी दमनगंगा पिंजाल, दमनगंगा और पिंजाल, एक है पार तापी नर्मदा और गोदावरी कृष्णा और कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, इन्हें एक साथ जोड़ने की बात करी गई है 5 नदियों। विश्व स्तरीय गति शक्ति नाम से मास्टर प्लान तैयार करने की बात करी गई है विश्व स्तर पर, ताकि गति शक्ति किसी चीज और गति के साथ काम किया जा सके, मास्टर प्लान तैयार हो गए। 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीनेशनल पार्क बनाने की बात करी गई है, ये देखिए मल्टीनेशनल पार्क बनाने की बात, जिसमें 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की व्यवस्था होगी। 4 स्थानों पर मल्टी पार्क बनाए जाएंगे जिसमें 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था होगी। इसके बाद संवेदनशील क्षेत्रों या दुर्गम पहाड़ियों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जहां संवेदनशील एरिया है
जहां आदमी वैसे नहीं पहुंच सकता, तो वहां रोपवे की शुरुआत करी जाएगी और वो पहाड़ी रास्ते, उसका नाम होगा रास्ते रोपवे विकास कार्यक्रम। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा सैज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदलाव किया जाएगा। यह कहा गया है सरकार के द्वारा, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला, के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें जल्द ही हम कुछ परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट है गेमिंग टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, एक गेमिंग टास्क फोर्स का गठन करने की बात करी है इस बजट में। नेक्स्ट है 22-23 में ई पासपोर्ट जारी, जिस तरीके से डिजिटल मुद्रा और इलेक्ट्रिकल लेन देन और ई कॉमर्स हो रहा है, इसी तरीके से घर बैठे आपको ई पासपोर्ट आवेदन करेंगे और घर बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएगा, ई पासपोर्ट की बात करी गई इस बजट में। नेक्स्ट है अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन निर्मित की करने की बात करी गई है। 400 नई वंदे भारत ट्रेन निर्मित या बनाने की बात करी गई है। 2023 में राष्ट्रीय कदम, 2023 वर्ष है हमारा, उसमें ये घोषणा करी गई है कि उसे राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में हम मनाएंगे। राष्ट्रीय कदम वर्ष आप याद रखना। और ये कहा गया है कि 5 साल के अंदर जो हम एमएसएमई है, एमएसएमई, तो उसमें अच्छा कार्य किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, इस चीज पे हम योजना शुरू करेंगे। एक मानसिक स्वास्थ्य पर बल, जो मेंटल एबिलिटी आदमी की मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बल देने की बात करी गई इसमें, और उसके लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ शुरुआत करी जाएगी। नेशनल, उस योजना का नाम होगा नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ, तो आप याद रखना ये इस चीज पे बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं और हमारे जो आंगनवाड़िया है और हमारी इनमें काम करने वाले और जो महिलाएं हैं उनके लिए सबसे अच्छी बाल विकास मंत्रालय के थ्रू 3 योजनाओं चलाने की बात करी गई है। वो 3 योजना कौन सी है, एक तो होगी मिशन शक्ति, एक होगी आपकी मिशन वात्सल्य जो छोटे बच्चे होते हैं, और एक होगी सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 अभियान। तो जो हमारे आंगनबाड़ी है ताकि उन्हें और सक्षम बनाया जाए, उन्हें और मजबूत बनाया जा सके, तो ये 3 योजनाएं महिला और बाल विकास मंत्रालय के थ्रू शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत शहर व गांव में 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। तो 2022-23 में पीएम आवास योजना जो पहले से ही चली आ रही है, जो लोगों को घर प्रदान करती है चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, तो उसमें एक आ गया है कि उसके तहत 80 लाख लोगों को घर प्रदान किए जाएंगे, और जिसके लिए जो वो है आपका पैसा वो 48,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस बार का बजट पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा। तो बाकी कुछ और अन्य बिंदु जो भी हो सकते हैं इसके अलावा, वो हम आपको अगर हमें लगेगा तो हम बजट क्लास नंबर 3 में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आईएएस का दे रहे हो, चाहे पीसीएस का दे रहे हो, पीडीएम्स या मेंस, और बाकी या एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूटेट और उत्तराखंड ग्रुप सी, लेखपाल, पटवारी या बंदी रक्षक, पुलिस और एग्जाम, तो इसमें आपके क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना बनती है एग्जाम में, और हमेशा से इस बजट से क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे बजट के इतिहास से क्वेश्चन हो और चाहे आपके करंटली जो बजट पेश किया गया उससे क्वेश्चन हो। तो हमेशा आपसे आप इसे बेहतर प्रकार से तैयार करें और चाहे तो हैंड नोट्स बना लें। अगर इसमें कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वह हम आपको आंसर तुरंत उसमें रिप्लाई देंगे कि इसका आंसर ये बेहतर होगा और आप इसे इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बजट पे आप एक कोई भी चाहे तो मैगजीन पढ़ ले या हमारी बार बार क्लास पढ़ ले या कोई भी आप इसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ सकते हो। बजट जो इस बार पेश किया गया तो उसमें इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी, और कुछ हमें लगेगा तो हम आपको वो समय समय पर अन्य क्लासों में भी बताते रहेंगे।
चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमें इजाजत दीजिए।